नमस्कार दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया का यह शेयर देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम करती है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का काम करती है यानी भवन निर्माण, रोड निर्माण, इन सभी का जो निर्माण कार्य दिन होता है उन सभी का यह कार्य करती है कंपनी। और दोस्तों एनबीसीसी कंपनी है कंस्ट्रक्शन काम, तो रियल एस्टेट के लिए इसको जाना जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों अच्छा खासा काम तो करती है, लेकिन शेयर की प्राइस 58 रुपए 70 पैसे यहाँ पर शेयर में देखने को मिल रही है। और आज की डेट में इस शेयर की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों, बिल्कुल नया शेयर देखने को मिल रहा है और माइनस में 1 रुपए 65 पैसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों इस शेयर में आज तो गिरावट थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिल रही है। बात करते हैं 1 सप्ताह के हिसाब से क्या शेयर में मोमेंटम बनती है, क्या 1 महीने के हिसाब से क्या मोमेंटम बनती हुई देखने को मिल रही है, क्या ऑल टाइम के हिसाब से क्या शेयर में परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, आपको अगर जानकारी पसंद आए तो। दोस्तों 1 सप्ताह के हिसाब से तो यहाँ पर शेयर में गिरावट और संभवतः थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है जो की 58 रुपए 5 पैसे पर यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से शेयर अपने को यहाँ से बायबैक भी अपसाइड मोमेंटम थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, नहीं यहाँ तो ब्रेक डाउन की संभावना तो देखने को मिल ही रही है। और दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट यहाँ 55 रुपए और 54 रुपए 53 रुपए तक यहाँ पर शेयर में ब्रेक डाउन 1 सप्ताह के हिसाब से सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रही है, जिस तरह से यहाँ पर शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों 2.17% की गिरावट है। और दोस्तों 1 रुपए 30 पैसे की यहाँ पर 1 सप्ताह के सबसे पूरे चार्ट एवरेज वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि जब शेयर यहाँ पर गिरा तो यहाँ पर फिर बढ़ भी गया, तो यहाँ पर गिरा फिर कम है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी रिटर्न बनता है वो पूरा चार्ट यहाँ से यहाँ गिरा फिर बढ़ गया, तो इसके हिसाब से पूरे चार्ट का एवरेज निकल के 3% और रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। बात करते हैं 1 महीने के हिसाब से, तो 1 महीने के हिसाब से भी यहाँ पर अच्छा खासा हाई रिटर्न देखने को मिल रहा है, 23% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है, 11 रुपए प्लस पॉइंट में देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत गिरावट तो संभवतः मेरे को देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही, क्योंकि जब आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जब यहाँ पर जो 256 रुपए से शेयर एकदम से अप अप में ओपन हुआ तो यहाँ पर फिर गिर गया, इस तरह से यहाँ पर भी हुआ है, और यहाँ पर फिर बढ़ सकता है और यहाँ पर फिर गिर सकता है, फिर बढ़ा है तो फिर गिर से गिर के फिर अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकती है दोस्तों। इस तरह से अपने को एवरेज वैल्यू के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 1 साल के हिसाब से यहाँ पर 73% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 24 रुपए के प्लस पॉइंट, और यहाँ पर 1 साल के हिसाब से मोमेंटम यहाँ पर गिरती हुई देखने को शेयर में मिल रही है दोस्तों, और ऑल टाइम के हिसाब से भी गिरती हुई देखने को मिल रही है, और ऑल टाइम के हिसाब से भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों। 786% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वन डे परफॉर्म में यहाँ पर टुडेज लो 58 रुपए और टुडेज हाई 60 रुपए देखने को मिल रहा है, 52 सप्ताह का लो 29 रुपए और 52 सप्ताह का हाई यहाँ पर 63 रुपए देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम 1 करोड़ देखने को मिल रही है, मार्केट कैप अच्छा है, कंपनी डिविडेंड बोनस भी अपने को देखने को मिल रही है, आरओई यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी 24% यानी कि साल का देखने को मिल रहा है दोस्तों, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है एनबीसी इंडिया या शेयर का नाम देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी पर निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।